हेलो बच्चों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के कार्यक्रम में मिशन शिक्षण संवाद टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है कर्मधारय तत्पुरुष समास। शेष क्रमांक है 55 और जूनियर स्तर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। बच्चों, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तथा एक पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो तो वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रही हूँ, पूजा सुंदर है, तो इस वाक्य में सुंदर शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है पूजा की, है ना। तो ये तो हो गया विशेषण, और पूजा जो है वो विशेष्य है। बच्चों, कर्मधारय समास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है विशेषता वाचक कर्मधारय समास, जो विशेष्य विशेषण भाव को सूचित करता है। नंबर दो है उपमान वाचक कर्मधारय समास। बच्चों, इसमें उपमानों पे भाव सूचित करता है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रही हूँ कि चंद्रमुखी, इस पद में चंद्र जो है वो उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना किससे करी जा रही है? चांद से की जा रही है। बच्चों, पहला था हमारा कि विशेषता वाचक कर्मधारय समास के भी भेद होते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? बच्चों, इसके 7 भेद होते हैं। नंबर 1 है विशेषण पूर्व पद, नंबर 2 है विशेषणोत्तर पद, नंबर 3 है विशेषणोभे पद, नंबर 4 है विशेष्य पूर्व पद, नंबर 5 है अव्यय पूर्व पद, और नंबर 6 है संख्या पूर्व पद, और नंबर 7 है मध्यम पद लोपी। बच्चों, उपमान वाचक कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है उपमा पूर्व पद, दूसरा है उपमानोत्तर पद, तीसरा है अवधारणा पूर्व पद, और नंबर 4 है अवधारणोत्तर पद। बच्चों, चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द बोल रही हूँ, भला मानस। अगर हम इसको विग्रह करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये भला है जो मानस, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, महावीर महान है जो वीर, नील गगन नीला है जो गगन। अब बच्चों, इसके अलावा हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। उपमास पदों में पूर्व पद, पहला पद एवं उत्तर पद यानी कि सह पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान एवं उपमेय का आपस में क्या है? संबंध है। अतः यह उदाहरण जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं उपमान और उपमेय के। पहला है बच्चों कि चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चंद्र मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम का मानी क्या होता है? काला। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, यहाँ स्त्री की तुलना किससे की जा रही है? एक रत्न से की जा रही है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। बच्चों, हमने ये कुछ वाक्य पढ़े। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि या तो पहला पद जो है और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य होने का संबंध हमें दिखाई दे रहा है, या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान होने का संबंध है। यदि हम एक शब्द स्त्री रतन को लेते हैं तो यहाँ एक स्त्री को किसके समान बताया गया है? रतन के समान बताया गया है। अतः दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों, हम अन्य कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है सुदर्शन यानी अच्छे हैं जिसके दर्शन, दूसरा है सुबोध अच्छा है जिसका बोध, हताशा हत है जिसकी आशा। बच्चों, इसमें जो कर्मधारय समास में जो है कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ क्या होता है बच्चों? वह वस्तु या व्यक्ति
जिसकी उपमा दी जा रही है। दूसरा है बच्चों उपमान, वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी उपमा दी जाती है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। बच्चों हमने इससे पहले आपको कुछ कार्य करने के लिए दिया था, हमें उम्मीद है कि वो कार्य आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला इसका उत्तर है बच्चों कि लुप्त पद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का वह रूप होता है जिसमें पहले पद व दूसरे पद के बीच से कारक चिन्ह जो होते हैं तथा अन्य पद जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं या ये कहिए कि लोप होते हैं। बच्चों इसका दूसरा उत्तर है कि समासिक पद वे विग्रह के तीन उदाहरण हमें बताने थे। पहला उदाहरण है नीलकमल, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? नीला है जो कमल, गुरुदेव गुरु रूपी देव, पीताम्बर पीत है जो अंबर। बच्चों आज फिर हम आपको अभ्यास कार्य करने के लिए दे रहे हैं। पहला इसका प्रश्न है विशेषण विशेष्य के तीन उदाहरण लिखिए। बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है कि उपमानवाचक कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों ये था आज की शीट क्रमांक 55 का सार। कर्मधारय समास आपने इसमें पढ़ा, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।